सर साथ में फिर हिला रहे हैं यार। रश्मि जी आ जाओ ना, रश्मि जी तीनों का अभी तीसरी थ्री ऑफ देम। चलो बाइक थ्री ऑफ देम। चलो भाई शरद भाई बस ले लो, बिल्कुल चले शरद भाई बैठो। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया, क्या चल रहा है शरद भाई? ये रोल के ये रोल काफी पहले ही शूट हुआ था, एक साल पहले हुआ था। एंड अब कल ट्रेलर आया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, आपके किरदार काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो कुछ बताना चाहो किस तरह के रिस्पॉन्स आपको मिले? बिल्कुल रिस्पॉन्स अच्छा रहा है। एंड वी आर होपिंग कि जब हमने इसे कुछ महीनों पहले शूट किया था, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ शूट किया था, और वैसे ही उसी एक्साइटमेंट के साथ आज हम सब जो है सब मिले हैं। तो बस यही है, उम्मीद यही है ऑडियंस से। आई थिंक एक्सपेक्टेशन तो नहीं कहूँगा, बट येस कहीं ना कहीं एक बस ये सबकी मर्जी है। yes. हम जस्ट चाहते हैं कि सब देखें और देखें और पसंद करें। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फीडबैक दीजिए। आई एम श्योर कहीं ना कहीं हंगामा जो है आई थिंक एंड हेवी के प्रोडक्शन जो है, अनिल सर सब पूरी टीम जो है, हम सब आई थिंक हमने सबने कोशिश किया कि मतलब पहली बार है मैं इस रात्रि के यात्री का मैं हिस्सा बनाऊं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है रात्रि के यात्री की। तो इसलिए हम आज इस रात्रि के यात्री जो हम सब हैं, आज रात्रि के यात्री हम सब रात को मिले हैं। और उम्मीद है कि जितना प्यार आपने पहले सीज़न को दिया है, आई थिंक कुछ 90 मिलियन के आसपास उम्मीद है, हमारा 100 मिलियन के आसपास जाए, शायद उससे ज़्यादा भी जाए। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, वी आर होपिंग कि अच्छा रिस्पॉन्स। अनिल जी ने इस तरह का कंटेंट लाए, काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी तो अनिल जी इस तरह का कंटेंट लाए, मतलब क्या है? अनिल जी अच्छा कंटेंट लेकर आए, काफ़ी डिफरेंट कंटेंट लेके आए, जो ऐसा कंटेंट मैं तो कभी नहीं देखा हूँ। देखिए पहला जो सीज़न था उससे बहुत अच्छा, लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंट कॉन्टेंट था, थोड़ा स्पाइसी है, थोड़ा हल्का सेंशुअल है, लेकिन हर एक कहानी के साथ एक एक अच्छा एक मैसेज है, एक एक कंटेंट वाइज मैं कहूँ, जैसे आपने कहा डिफरेंट है और रेगुलर कंटेंट या ओरिजिनल है, तो आई थिंक लोग वो देखना चाहते हैं आजकल। स्पेशली आई थिंक OTT जो है, आई थिंक किसी भी फॉर्म में लोग पसंद कर रहे हैं। आई थिंक एक OTT का दौर चल रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ एक फेज़ चल रहा है, तो इस फेज़ में अगर आपने अच्छा कॉन्टेंट बना दिया लोग देखेंगे, अगर नहीं बनाए तो फिर ऑब्वियसली आप कुछ और कोशिश कीजिए। बट लकीली आई थिंक इनका सीज़न 1 बहुत अच्छा किया है, और जब सीज़न 2 मुझे लोगों ने कहा, जब अनिल सर ने कहा कि आपको उसका हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली यार कहानी अच्छी थी, किरदार अच्छा था, शिफाली मैं मीरा हम सब ने मिलकर कोशिश की है कि हम इसे एंटरटेनिंग बनाएं, अपने अपने किरदार को जस्टिफाई करें, और बस वही किया मैंने यार। और हमेशा की तरह अच्छा ना लगना वो अब आपके हाथ में है, मीडिया के हाथ में है, ऑडियंस के हाथ में है, व्यूअर्स के हाथ में है, बट आई एम होपिंग कि अच्छा लगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।